लोकेशन पे पहुंचा तब तक दोस्तों कस्टमर ने राइड जो है कैंसिल कर दिया, और ये जो भाई साहब गए अभी गाड़ी में बैठ के, तो ये दूसरा कोई राइडर होगा वहां पे खड़ा हुआ, उनके संग बैठ के चला गया। कस्टमर जो है इनको मैंने हेयर कैप दिया तो बोलते हैं ये क्या है भाई, पैसे कर रहे हैं, मैं करके जा रहा हूं, 10 मिनट से वेट करवा रहे हैं। ये तो दोस्तों 10 मिनट की बात हुई, तो इसी तरीके से मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट यहाँ पे। अब आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो माइलेज है, आप लोग पूछते रहते हो अक्सर दोस्तों कि वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, और अभी हो रहे हैं रात के 8:55 और मैं निकल रहा हूँ राइड पे, और बंस ना बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे हैं। मैं जाऊंगा पापा। तुम्हें तो अब मैं लेके जाऊंगा नहीं, तुम अभी बोल रहे थे ना पापा मैं जाऊंगा काम पे, तो जाओ फिर तुम, पापा नहीं जाते क्या? पापा जाते हैं। नहीं आज बंस जाएगा, आज पापा नहीं जाएंगे। पापा जाते हैं। आज पापा नहीं जाएंगे। कहाँ जा रहे हो बंस? काम पे जा रहे हो। काम पे जा रहे हो? हाँ। तुम जाओगे काम पे? हाँ। जाओ तो। कहाँ जाओगे? काम पे जाऊंगा। ऑलमोस्ट 2 घंटे दोस्तों इंतजार करने के बाद राइड नहीं आई, तो मैं आ गया हूँ पार्किंग में। देख सकते हो 11:02 हो रहे हैं अभी, ठीक है। और मेरी बाइक जो है थोड़ी माइलेज है वो भी कम दे रही है, जिसके वजह से मैं सोचा चलो यार माइलेज भी टेस्ट कर लेंगे, और माइलेज तो वैसे सही दे रही है, मैं चेक नहीं किया हूँ काफ़ी दिन से, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है 40 के ऊपर ही दे रही है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, देख सकते हो आप लोग, 427 रुपये आए हैं जोमेटो से। आज मंगलवार है, और मंगलवार को वीकली पे आउट होता है, ठीक है। तो ये पे आउट जो है जोमेटो का, मैंने 2 बार वीक में काम किया था, वो आप मेरे वीडियो चेक करते हो, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लिया करो। ओला उबर दोनों में मैं ऑनलाइन हूँ दोस्तों, और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 2 बोतल जो है वो लेके आया हूँ, जिससे कि मैं पेट्रोल है ना वो भरूंगा इसमें। तो ये जो छोटा वाला है बोतल है, इस पे आपका सबसे पहले भर लेते हैं पेट्रोल। दोनों बोतल में दोस्तों पेट्रोल भरने के बाद फिर भी अभी मेरे में है, बट रिप्लाई हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद ख़त्म हो गया हो, बट अभी एक्चुअल में ख़त्म हुआ नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ ये 51 के मेट्रो के पास, और यहाँ पे जो है वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर वेट करते ही दोस्तों मेरे पास राइड आ गया, जैसे ही मैंने देखा कि राइड आ गई है तो मैं फटाफट बिना कॉल करे ही कस्टमर के पास पहुंचा जल्दी जल्दी। लोकेशन पे पहुंचा तब तक दोस्तों कस्टमर ने राइड जो है कैंसिल कर दिया, और ये जो भाई साहब गए अभी गाड़ी में बैठ के, तो ये दूसरा कोई राइडर होगा वहाँ पे खड़ा हुआ, उनके संग बैठ के चला गया, क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन था, मैं बोलता जब तक वो भाग गए। तो यार ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा यार देखो क्या हो रहा है आज मेरे साथ। फिर मैं वापस आ गया दोस्तों 51 से घूमता हुआ, क्योंकि मेट्रो स्टेशन लास्ट 12 तक आती रहती है, तो मैं यहाँ पर आ गया 51 के लिए वापस, जो राइड आ गए दोस्तों। कस्टमर जो हैं इनको मैंने हेयर कैप दिया तो बोलते हैं ये क्या है भाई, क्या करना है इसका, आप रख लो अपने पास। नहीं नहीं सर, ये ना हेयर कैप है एक्चुअली, अब इसको सर पे लगाइए, जिससे आपके बाल जो हेलमेट में नहीं चिपकेंगे, क्योंकि हेलमेट और भी लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पज से। तो भाई इनको जो है 12:22 लेके जाना है दोस्तों, तो मैं फटाफट इनको पिक कर लिया है, और 12:22 जो है इनको लेके जाना है। इनका जो बिल बना वो 54 रुपीज़ हुआ है, 54 रुपीज़ इन्होंने मुझे पे कर दिया, जो कि UPI से भी पे किया। दोस्तों मेरे पास एक अगली राइड आ गई है, अगली जो राइड है वो आप देख सकते हैं सिर्फ 200-300 मीटर की दूरी पर ही है कस्टमर, और इनको जो जाना है वो जाना है 135। तो वही मैं बिना कॉल के अपने फिर से डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए निकल पा, और पेट्रोल पंप देख के तो मुझे लगा कि यार पेट्रोल भरवा लेते, फिर मुझे ध्यान आया नहीं यार मैं तो माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को माइलेज टेस्ट करना है पहले, तो 2 बोतल है ही मेरे पास, और मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब इसकी जो है पेट्रोल ख़त्म हो, और मैं दोबारा डालूँ पेट्रोल, और फिर जाऊँ इसको चेक करूँ कि एक्चुअल माइलेज में दे कि क्या रहा है, क्योंकि इंजन ऑयल मेरी बाइक जो है वो खा रही है इंजन ऑयल, बट तो इसलिए मैंने ना अभी करीब 800-1000 किलोमीटर पर मुझे थोड़ा बहुत 100 ml 200 ml टॉप अप करना पड़ रहा है। तो यहीं पे मैं कस्टमर का वेट कर रहा हूँ, आ रहे कस्टमर उस आधे भाग के आ रहे हैं, यही होंगे। तो ये कह रहे भैया मैं उस साइड वेट कर रहा था और आप इधर थे, तो मैं ठीक है। तो इनको मैंने हेयर कैप दिया, एंड
बैठाया, हेलमेट पहनाया। और ये जो भैया है शायद ये कोलकाता से हैं और इनको लोकेशन का कुछ भी नहीं पता, तो बोले भैया आप अपने मैप के हिसाब से चलो, मेरा जो नेट है दोस्तों वो आज ख़त्म हो गया तो मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी नेविगेशन में। मैंने बोला आप दे दो, तो इन्होंने कहा भैया मेरा भी ख़त्म हो रखा है, आप अपने हिसाब से मैनेज करो। तो मैंने अच्छा 135 ही तो जाना है, अपने को सारा पता है, चलो। दोस्तों जो पैसेंजर थे वो कलकत्ता के थे और उनको ठंड इतनी लग रही है अभी भी, वो भैया ये है, इनको ठंड लग रही है इतनी कि बोल रहे भैया बहुत सर्दी है। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे जो सर्दी अभी देखा कहाँ आपने, एक्चुअल में सर्दी तो जो थी ना वो दिसंबर में थी, अब तो नहीं है। बट तो इनका बिल हुआ पता नहीं 137 रुपये का, पेमेंट लेता हूँ और देखते हैं अगली राइड कहाँ की आती है। भैया टाइम देखो एक बार कितना हो गया, 12:30 हो चुके। जैसे लोकेशन पे पहुंचा हूँ दोस्तों तो भैया को मैंने वहाँ ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद सुनो ये तो दोस्तों 10 मिनट की बात हुई, तो इसी तरीके से मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट यहाँ पे वेट करने पड़े पेमेंट के लिए। 137 रुपए का इनका बिल बना था और 137 रुपए के लिए मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट वेट करना पड़ा। मैं सोचा कि छोड़ के चले जाऊँ क्योंकि मेरे पास ऊबर में 2 से 3 राइड आ रही थी, फिर मैंने मेरे पास एक राइड आई तो मैं चले गया ओखला, ओखला जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से एक और आ गई जिनको मैंने ड्रॉप किया आपका वापस 108। तो मैं दोस्तों निकल पड़ा अपने घर की ओर। तो उसी बीच मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें कि एक भाई ने हमारे अविंदर कुमार जी हैं उन्होंने मुझे बोला कि वीएसके भाई यार मेरे को ऊबर का जो फेयर है वो जो है आप देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं दोस्तों, ये इनको 9.4 किलोमीटर का 47 मिनट 27 सेकंड में दोपहर की राइड है शायद ये 134 रुपये का बिल बना था और सिर्फ 84 रुपये मिले हैं इनको। तो ये थोड़े अपसेट थे, बोल रहे हैं कि भैया 40% का जो है ये काट रही है, जो कि आप देख भी सकते हो दोस्तों लगभग 49 रुपीस जो है काटी है ऊबर। तो इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों मैं बताऊं, 149 यानी कि लगभग 40% चार्ज काट रही है। तो ऊबर तो हमें वही देगी चाहे कस्टमर से, हो सकता है कि पुराना कुछ बकाया हो उसके वजह से हो, क्योंकि अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो टाइम ऐड नहीं है इसमें मैं मान सकता हूँ, बट इसमें कैलकुलेशन वाइज अगर देखते हैं तो 9.02 रुपये बन रहा है पर किलोमीटर। तो उस हिसाब से तो सही है अगर ऊबर से हम बात करेंगे, क्योंकि देखो क्योंकि एडजस्टमेंट दिखा रहा है ये वो तमाम चीजें आप देख सकते हो ऊबर ने कर दिया, बट कहीं ना कहीं यार हम लोगों को ले दे के हम लोग ही पिसते हैं, ठीक है, चाहे वो 15 रुपए बोल दे, चाहे 20 रुपए बोल दे, चाहे 8 रुपए या 7 रुपए ले दे के हमें 6 रुपए 6.5 रुपए ही पड़ता है। अगर खाली आ गए ना कुछ किलोमीटर तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाता। वहां से मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर निकल पड़ा, ये बात करते करते अपने आप से, मोटो ब्लॉगिंग की यही खासियत होती है कि भाई अपने आप से बात करो और निकल पड़ो सीधा घर की ओर। मैं आ चुका हूँ दोस्तों पार्किंग में, देख सकते 1:23 हो रहा है, 120 इसमें और एक ओला वाली जो वो राइड थी वो, और दोनों ही जो बोतल है मेरी वो अभी भी भरी हुई है। मैं सोचा शायद खत्म हो जाए बट खत्म नहीं हुई, तो मैं कहा चलो अब भाई अगले दिन जो है मुझे माइलेज टेस्ट करना पड़ेगा। अगले दिन दोस्तों मैं जैसे ही निकला और ये फ्लाईओवर है आप देख सकते हो जो 58 से लेकर अट्टा को जा रहा है, उस फ्लाईओवर के ऊपर मेरी जो बाइक है वो इसकी पेट्रोल जो है खत्म हो चुकी है, 26,688 किलोमीटर पर मीटर था। तो मैं अपना जो 250 ml वाला पेट्रोल था, ये स्लाइस वाला 250 ml का होता है, हमने पूरा 250 ग्राम इसको मैंने अपना फिलअप किया और फिलअप करने के बाद दोस्तों फिर चल पड़ा आगे की ओर। अब मैं देखना है कि आखिर ये कितना किलोमीटर मेरे को देता है, क्योंकि मेरे को माइलेज जो है ना मैंने वैसे तो बहुत बार चेक किया, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करोगे ना एक्सपल्स मॉडिफिकेशन वाला या फिर माइलेज टेस्ट बना रखा है मैंने, उसमें आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये आज की वीडियो है और इसमें हमारे एक भाई जो है ये मिले, पहले पोर्टर में काम करते थे अब ये एप्पल में काम करते हैं, मुझे बिल्कुल नोएडा बॉर्डर पे मिले, तो उन्होंने पहले आगे चले गया था भाई उसके बाद वापस मिला, तो मैं कहा चलो यार इनकी भी क्लिप लेते हैं याद रहेगी। तो मैं फिर चला दोस्तों, मुझे लगा शायद ख़त्म हो जाएगा या 6 या 7 किलोमीटर चलेगा, बट भाई साहब जो बाइक है मेरी मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा माइलेज दे दी। तो आप देख सकते हो दोस्तों मेरी जो बाइक है वो मीटर में 26,699 मतलब लगभग 11 किलोमीटर 11 × 44 यानी 44 का माइलेज दे रहा है। थोड़ा बहुत तो क्योंकि अभी झटके देने लगी थी मैंने रोक लिया, मैंने कहा नहीं फटाफट भाई पेट्रोल भरते हैं और पेट्रोल भर के अपना जो है काम करेंगे, क्योंकि यार काम जरूरी है, अपने को काम पे निकलना था कुछ, मैं जा रहा था कहीं। अब आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो माइलेज है, आप लोग पूछते रहते हो अक्सर दोस्तों कि माइलेज क्या देती है कितनी देती है, तो ये है मेरा माइलेज 44 किलोमीटर पर लीटर। तो 200 cc में अगर 44 का दे
कैरी है और तो बहुत अच्छा है। तो ये वाला जो बॉक्स ये डब्बा था 250 ml का है और ये पूरा 600-700 ml का ये वाला है। मैं पेट्रोल डाल लूँगा और अगले पेट्रोल पंप पे फिलअप करा लूँगा, मुझे बस माइलेज चेक करना था। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए एज ऑलवेज वॉक फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच।